students to this YouTube channel. Today we will discuss about principle of curriculum constructions. Students ke liye jo curriculum banaya jata hai kis aadhar par banta hai, curriculum kaisa hone se uska sahi prabhav students ke upar padega, uska future surakshit hoga, uska present bhi acha rahega. To curriculum banane mein expert log shamil hote hain jinka एक्सपीरियंस रहता है टीचिंग और एजुकेशन के लाइन पे, जिनका एक्सपीरियंस है स्टूडेंट साइकोलॉजी के ऊपर, जिनका एक्सपीरियंस है प्रेजेंट चेंजिंग सिचुएशंस के ऊपर, वो लोग शामिल होते हैं करिकुलम बनाने के लिए. तो करिकुलम बनाने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है. स्टूडेंट्स की होल एक्टिविटी करिकुलम इंक्लूड करता है, इसलिए उसकी स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड सभी दिशाओं को नज़र दिया जाता है जब भी करिकुलम डिजाइन करते हैं करिकुलम डिजाइनर. सो द मेन प्रिंसिपल क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस. तो मॉडर्न एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जहाँ के स्टूडेंट्स को ही सब कुछ माना जाता है, उसको देख के ही सब कुछ प्लानिंग किया जाता है. स्टूडेंट्स आर द मेन फिगर ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, सो दे आर नीड इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग द करिकुलम. सो करिकुलम डिजाइनर स्टूडेंट्स की लेवल को देखना चाहिए, उनका मेंटल पावर, उनके अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, उनके एज, उनके नीड इंटरेस्ट एबिलिटी क्या है, उसको पहले देखना चाहिए, उसको ठीक हिसाब से इम्पोर्टेंस देना चाहिए करिकुलम डिजाइन करने के लिए. सो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस. स्टूडेंट्स एक्टिविटी करके अच्छे से सीखते हैं, स्टूडेंट्स को थियोरेटिकल नॉलेज जितना चाहिए उससे ज़्यादा चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज. प्रैक्टिकली जो भी काम करते हैं उसका सही प्रभाव रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर. स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली काम करके उसको लंब टाइम तक याद रख सकते हैं. सो एजुकेशन को, टोटल एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल बनाना चाहिए, जिसका सही प्रभाव स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा. सो एक्टिविटी मेथड, एक्टिविटी करके जैसे स्टूडेंट्स सीख पाएंगे, इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए. ऐसा सब्जेक्ट मैटर चूज करना चाहिए जिसको कि एक्टिविटी करके पढ़ाया जा सके. सो एक्टिविटी सेंटर्डनेस होना चाहिए करिकुलम. देन करिकुलम शुड बी कम्युनिटी सेंटर्डनेस. स्टूडेंट्स जो हैं वो समाज से आ रहे हैं, समाज के लोग ही स्टूडेंट्स को स्कूल को भेज रहे हैं. स्कूल है एक मिनी सोसाइटी जहाँ पे स्टूडेंट्स सीखते हैं डिसिप्लिन, और स्कूल सराउंडिंग में पढ़ने के बाद वो लोग फिर आते हैं समाज में चलने के लिए. तो उनको ऐसा क्षमता देना चाहिए, ऐसे एबिलिटी उनका डेवलप होना चाहिए जैसे कि वो समाज में आके सही तरीके से एडजस्ट हो पाएंगे. सो कम्युनिटी का जो नीड इंटरेस्ट और एबिलिटी है वो क्लासरूम में सुरक्षित होना चाहिए, वो स्कूल के जरिए से पूरा होना चाहिए. देन प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग. देखिए जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स डेली लाइफ में फेस कर रहा है इसको सॉल्व करने के लिए उसको हेल्प करना चाहिए, उसका फ्यूचर सुरक्षित होना चाहिए. फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आने वाले हैं उनको किस तरह से एक स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा उसके बारे में उसको समझाना चाहिए, उसको उसका कैपेसिटी को ऐसे बिल्डअप करना चाहिए जैसे कि वो हर रोज न्यू प्रॉब्लम्स को, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को और प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व कर पाए. तो प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग मतलब फ्यूचर को देख के करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए, जैसे कि फ्यूचर में स्टूडेंट्स कैपेबल बन सके, हर तरफ से वो सुरक्षित रह सके. देन प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी. करिकुलम में सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स की नीड इंटरेस्ट और एबिलिटी को के हिसाब से सूटेबल बनना चाहिए, क्योंकि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स. सभी स्टूडेंट्स का नीड इंटरेस्ट और एबिलिटी अलग अलग रहता है. सो उनको उनके नीड इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से सब्जेक्ट मिलना चाहिए. करिकुलम में बहुत सारे सब्जेक्ट रहना चाहिए जिसको कि स्टूडेंट्स अपनी नीड इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से वो चूज कर पाएंगे. देन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. करिकुलम शुड नॉट बी रिजिड, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसे कि इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट या बहुत सारे ईजी सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए. ये ऐसा होना चाहिए जैसे कि स्टूडेंट्स की एज, एबिलिटी और मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से सही होना चाहिए. स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगे कि वो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनके हिसाब से वो उनके लिए सुइटेबल होना चाहिए. देन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस. देयर शुड बी ए बैलेंस इन द करिकुलम. करिकुलम में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, तो जो सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं उनमें बैलेंस रहना चाहिए, जैसे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स.
वोकेशनल सब्जेक्ट्स और अदर सब्जेक्ट्स, जनरल सब्जेक्ट ऐसे ही, तो सब्जेक्ट्स में बैलेंस रहना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा उनमें कोरिलेशन रहना चाहिए, उनके भीतर में इंटीग्रल रिलेशन रहना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट्स को ना लगे कि एक सब्जेक्ट दूसरे से अलग है। सभी सब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहता है, उस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल जरूर करना चाहिए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल नहीं होगा तो एजुकेशन की एम फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए सब्जेक्ट्स के अंदर अमंग द सब्जेक्ट देयर शुड बी कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन। देन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स क्लासरूम में पढ़ेंगे वो उनके डेली लाइफ में यूजफुल होना चाहिए, यूजफुल सब्जेक्ट्स ही पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा सब्जेक्ट्स होना चाहिए जिनको पढ़ के स्टूडेंट्स कैपेबल बन सके, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक तरीके से सॉल्व कर सके। सो ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। सो थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हू आर लिसनिंग टू माय वीडियो लेक्चर। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस। जितना शेयर करोगे उतना स्टूडेंट्स समझ पाएंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने के लिए भूलना नहीं। आगे और बेहतर वीडियो बनेगा उसके ऊपर, वो डिपेंड कर रहा है आप लोगों की हेल्प और कोऑपरेशन के ऊपर। थैंक यू।